और ये देखिए लाजवाब से ज्ञान नम्रता से मान और योग्यता से पहचान मिलता है, श्रद्धा से ज्ञान नम्रता से मान नहीं इससे भी बड़ा योग्यता से स्थान मिलता है और यह तीनों चीज मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग रात्रि के समय है और कांटी में हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे और वहाँ से लरसंडा में वहाँ से कॉल आया कि इनके यहाँ अभी जो है कि सांप किस जगह पे हम लोग है मरबन के मखदुमपुर कुदरिया, वहाँ से हम लोग होते हुए यहाँ पर आ गए हैं और वहाँ पर बड़ा दिक्कत भी हुआ हम लोग को, थोड़ा सा चकत्ता भी हो गया था, लकड़ी उकड़ी हटाए ना तो ऐसा कुछ था ना कि एकदम डस्ट से जो है परेशानी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी आ गए हम लोग और फटाफट अपने अंदाज में हम लोग रेस्क्यू करते हैं, इसको सही सलामत जंगल में छोड़ने का काम करेंगे। बस थोड़ा देर आप लोग वीडियो पे बने रहे, वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनील जी आ जाइए यहाँ पे हम लोग, गजब माइंड ब्लोइंग। हम लोग क्या करें इसे फटाफट अपने अंदाज में हम लोग रेस्क्यू करेंगे इसको हम लोग, और इधर कहीं पे जो है कि घुसने वाला जगह भी नहीं है, ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, चला जाए। और ये देखिए लाजवाब, ओ माय गॉड, अब जो है कि अपने ये देखिए किस तरह से ओ माय गॉड लाजवाब, ओ माय गॉड। और देखिए अब दोस्तों अमूमन जो होता क्या है कि साहब जो है कि घर में घुस आता है कि ये जो है, चलिए बाहर चलते हैं हम लोग। अब बहुत ही बिग साइज का कोबरा है, और देखिए चलिए आप लोग आराम से रहिए। और ये इनका बेड वाला जो था वहां पे था, इसके कारण जो है कि थोड़ा सा परेशानी था, लेकिन इसको जो है कि रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये देखिए लाजवाब, अब देखिए अपने, ओ माय गॉड, आप लोग एकदम आराम से रहे। कितना पुराना होगा? बिग साइज का है, करीबन 15 साल का तो पुराना होगा ही। और एकदम अपने आक्रामक मूड में इस सांप को जो है कि हम लोग कोबरा बोलते हैं, और बहुत ही खतरनाक ये कोबरा है और ये बिग साइज का कोबरा है। और इस सांप में बहुत ही हाई वेनमस न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो आदमी को काट ले तो 2 से 3 घंटे के अंदर में अगर सही उपचार नहीं हुआ तो मौत निश्चित है। इसलिए ऐसा सांप जब भी आप लोग को कभी काटे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा प्रभात तारा हॉस्पिटल की ओर जाए, क्योंकि ये सांप अगर काटेगा तो मौत निश्चित है। ये देखिए किस तरह से एकदम अपने आक्रामक मूड में, चलिए इसको हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लिया, इसको सही सलामत हम लोग जंगल में जाकर छोड़ देंगे। और ये एकदम ये अभी जो है कि भोजन के तलाश में, अमूमन इंसान के घर में जो है कि ये सांप जो है कि चूहा खाने के लिए आ जाता है, और जहाँ इंसान रहता है तो वहाँ अनाज रहता है, और जहाँ अनाज रहेगा वहाँ चूहा का रहना एकदम लाजमी बनता है। इसलिए ये जो है ना कि चूहा को खाने के लिए अक्सर हम लोग घर में घुस जाते हैं, लेकिन सांप हमारा दुश्मन अगर है तो मानते हैं कि दुश्मन है, तो सांप हमारा जान लेता ही नहीं है, सांप हमारा जान बचाता भी है। इसके वैनम से बहुत सारा एंटी वैनम बनता है जो हमारा इलाज होता है, इसके काटने के बाद जो है कि जो हमें इलाज होता है इसी का वैनम से, जो एंटी वैनम बनता है उसी से हम लोग का इलाज होता है। इसलिए धरती पर पर्यावरण के लिए ये सांप भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए सांप को भी हमारे धरती पर रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए इसको हम लोग सही सलामत तो हम लोग जंगल में जाकर छोड़ेंगे या फिर वन विभाग को जाकर दे देंगे, ताकि वो इसे जो है कि फर्स्ट क्लास से पूर्व में घर में ही है, वहाँ भी जाना जरूरी है हम लोग को।
काला बैग रहता है तो उसमें चला जाता है आराम से। इतना कायदा से पकड़ नहीं लगे सूत्री लगे जल्द। चलिए इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया, सही सलामत जंगल में जाकर इसको रिलीज कर देंगे। वीडियो मेरा पसंद है तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे बेजुबानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग